जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने जैसा कि थंबनेल यहाँ पे देख चुके होंगे कि हम आपके सामने शॉर्ट आउट लेके आए हुए हैं। अभी जितने कम समय में हम कितना ज्यादा कुछ कर सकते हैं। बोलने का मतलब, जैसा कि आप लोग थंबनेल में तो देख चुके होंगे कि आखिर अब जो हमारा समय बचा हुआ, मतलब कि 15 जनवरी को हमारा एनटीपीसी का जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा और 23 तारीख जो 23 फरवरी से हमारा एग्जाम जो है ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, बस थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। हल्का थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बस थोड़ा सा ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन आप यदि हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक यदि हमारा वीडियो पर बने रहते हैं तो आपका 100% गारंटी देते कि आपका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी जैसा कि कंडीशन अभी है, अभी सभी लोग अभी यही सोच रहे हो कि आखिर मैं कौन सा बुक पढ़ूं, आखिर मैं अभी कौन सा बुक पढ़ूं, क्या पढ़ूं ताकि मेरे को सबसे ज्यादा नंबर आ सके। क्योंकि सब यही चाह रहे हैं कि इस बार जो है ग्रुप डी हमारा हो जाए। ठीक है, ग्रुप डी इसलिए हो जाए क्योंकि 1 लाख इधर वैकेंसी है ग्रुप डी का, और 1 लाख कोई मतलब कम वैकेंसी नहीं होता है। तो अभी आप लोग को सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट है। अभी तक यूट्यूब में अभी तक आपको कोई अभी नहीं दिए होंगे। अभी हम यहाँ पे सारे बुक का अभी हम आपको एक एक करके बताऊं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा जो कि कम समय में आपको सबसे ज्यादा बेहतर अच्छा मिल सकता है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे एसके झा वाला बुक है। ठीक है, ये जो एसके झा का बुक है जो कि पटना से बिलोंग करते हैं, ये काफी बेस्ट बुक है। लेकिन एक चीज इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा जो दिया हुआ है सिर्फ साइंस को दिया हुआ है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को दिया हुआ है। मतलब कि जीएस जो हमारा जीके जो है वो हमारा इसमें आपका कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यदि आप इसको रिकमेंड करते तो जैसे देखिए आपको यहाँ पे आपको ये पहला में मिल जाएगा कि जैसे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छा है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यदि आपके एग्जाम में यदि पूछता है ग्रुप डी के एग्जाम में तो सबसे बेस्ट जो आपका जो बुक रहेगा वो हम एसके झा को हम प्रीफर करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। और बात बाकी जो इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायो के लिए, यदि आप तीनों को लगातार यदि पढ़ते हैं तो बेस्ट होगा। लेकिन आपका इसमें जीके आपका नहीं दिया हुआ, यदि आप थोड़ा मोड़ा यदि न्यूमेरिकल यदि देखना चाहते हैं तो एसके झा का बुक को आप न्यूमेरिकल के लिए आप ले सकते हैं। या आपके पास होगा तो उसको बस आपको पलट के, आप तो पढ़े हुए हैं, पहले ही पढ़े हुए होंगे, बस आपको सिर्फ इसमें देख के आपको चले जाना है। ठीक है, अब हम आपको मान चले अभी आपके दिमाग में बैठा होगा कि कोई सर बता रहे हैं कि एसके झा का बुक पढ़े, या तो यूथ पब्लिकेशन का बुक पढ़े, या तो फिर आपका खान सर का बुक पढ़े। तो हम आपको तीनों के बारे में अभी आपको बताएंगे तीनों में क्या डिफरेंट है। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका एसके झा का बुक है, अब हम आपको दिखाएंगे क्या यूथ पब्लिकेशन का बुक को दिखाएंगे कि यूथ पब्लिकेशन बुक और एसके झा का बुक में क्या डिफरेंट है। सो सब देखिए, अभी तो आप एसके झा वाला बुक देख लिए, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसा कि यूथ यूथ वाला ये पब्लिकेशन का है। अब इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मैथ के लिए है। ठीक है, अब इसका होता है साइंस के लिए भी, तो साइंस के लिए और मैथ के लिए भी अलग अलग यहाँ पे आता है। लेकिन आप उतना इतने इतने मोटे बुक को आप नहीं कर पाइए, कवर कर पाइएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको कहते हैं कि यदि आप यदि आपका अर्थमेटिक और आपका एडवांस यदि आपका कुछ गड़बड़ है तो हम अपने प्लेलिस्ट पे हम यहाँ पे आपको एक एक करके जो हम आपको बताए हुए हैं प्लेलिस्ट पे हमारा जो है वहाँ पे वीडियो जो पड़ा हुआ आप यदि वहां से देख लेते तो 100% है कि जो 25 नंबर में से आपका कम से कम 12 से 15 नंबर आपका 100% हो जाएगा। और या यदि आपका अर्थमेटिक और ज्यादा यदि गड़बड़ है तो आप इस बुक से जो यूथ वाला बुक से आप बस सिर्फ इसका जो बनाया हुआ है बस आप उतना यदि कर लेते हैं तो यदि आप पूरे लगन से यदि करते हैं तो 10 दिन आपके लिए काफी है इस बुक को खत्म करने के लिए, 10 से 15 दिन के लिए। आपको हर क्वेश्चन को नहीं बनाना है, बस जो आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आपको हटा देना, बस आपको जो नया नया क्वेश्चन मिले उसको बनाते जाना है, जो थोड़ा आसान मिले उसको हटाते जाना है। ठीक है, तो ये रहा मैथ्स के लिए है, जो यूथ पब्लिकेशन के लिए है। अब आप जान रहे हो कि जो हमारा जो है खान सर, जो खान सर का वाला है, खान सर वाला हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें क्या अच्छा क्वालिटी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो है इनका खान सर का जो है, खान सर का इनमें सबसे अच्छा जो आप लोग के लिए मतलब कम दिन के लिए कम समय के लिए है वो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइंस प्लस जीके, मतलब इसमें दोनों आपका कवर किया हुआ है। जबकि एसके झा वाला बुक में या तो हमारा यूथ पब्लिकेशन बुक में इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक को मान के लिए आप यदि पढ़ते हैं तो आपको साइंस के लिए अलग करना पड़ेगा, जीके के लिए अलग करना पड़ेगा और फिर मैथ्स के लिए अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे कम समय में हम अच्छा चीज कुछ कर सकते हैं तो हमारा जो खान सर का जो है, खान सर में इसमें इसमें क्या है कि साइंस के लिए और जीके के लिए आप इतना मोटा यदि इसमें क्या दिया हुआ, सबसे सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें विविध को लेके भी पूरा अच्छा से बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और प्लस अंतिम में क्या क्या हुआ है कि इसका टेस्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा इसमें लिखा मतलब कि दिया गया है, तो आप इसमें अपना भी आकलन कर सकते हैं। तो ये रहा खान सर का बुक है जो कि सबसे बेस्ट अभी मतलब कि कम समय के लिए अच्छा है ये। यदि आप इतने कम समय में यदि अच्छा करना चाहते हैं, मतलब कि 70 नंबर आप यदि लाना चाहते हैं
तो हम तो खान सर को ही प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है साइंस और जीके, जो एसके झा का बुक है उसमें सिर्फ आपको साइंस मिलेगा उतनी सारे मोटे बुक पढ़ के, लेकिन आपका जो खान सर का यदि आप पढ़ लेते हैं इतना मोटा बुक, तो आपको दोनों कवर हो जाएगा, मतलब क्या साइंस प्लस जीके हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं क्या कि जो इसका यूथ का जो और एक आता है, देखिए यूथ का जो है इसमें जो साइंस के लिए हम बता रहे हैं, अभी जैसे आपको हम मैथ के लिए बताए हुए थे, देखिए जैसे हम यहाँ पे देखिए ये मैथ का बुक और ये आपका साइंस का बुक है, दोनों सबसे बेस्ट बुक। यदि आपके पास पूरा टाइम रहता तो बेस्ट हम आप वो इसमें बहुत ज्यादा प्रीफर करते, ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए मैथ के लिए आप इस यूथ पब्लिकेशन को बनाइए, सबसे बेस्ट है, आपका 70 नंबर 100% आएगा ये, ठीक है। जो आपका जो 25 नंबर है, 25 में से 25 नंबर आप ला सकते हैं, इतना इसमें क्वालिटी और कंटेंट दिया हुआ है। सो और ये यूथ का साइंस है, अभी तो हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। यदि आप आपके पास टाइम यदि है, यदि मान के लिए ग्रुप डी का यदि टाइम यदि एक्सटेंड यदि करता है, तो आप इसको बहुत अच्छा से इसको कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया, बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन दिया, किस एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घबराइए नहीं कि अभी हम सबके बारे में बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम आपको बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा, और लास्ट में आपको बताएं कि आप यही चीज बुक से पढ़िए जो कि आपके लिए सबसे रामबाण साबित हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट बुक की ओर बात करते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए पहले क्या होता था कि ये जो हमारा जो लुसेंट है, ये लुसेंट सबसे बेस्ट होता था, लेकिन आप जीके के चक्कर में भी रहिएगा तो सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाइए, क्योंकि जीके अभी कहाँ न कहाँ से अभी पूछा जा रहा है, अभी किसी को पता नहीं है। तो यदि आप अच्छा नंबर यदि ग्रुप डी के लिए उठाना चाहते हैं, तो देखिए किसी भी बोर्ड के लिए जो होता है 70 नंबर काफी होता है, और 70 नंबर कहाँ से लाया जाता है हम आपको बताएंगे स्ट्रेटजी। जैसे 25 गुना 50 नंबर जीके और आपका जाके वही मैथ्स और रीजनिंग में आपका कवर हो जाएगा। मान चलिए 50 नंबर यदि आप 45 नंबर भी ला लेते हैं, तो आपका और जो सारे पोर्शन जो उससे हम आपको बताएंगे कैसे आपको लाना है। तो ये आप जीके के लिए सिर्फ आप इसका विविध पढ़ सकते हैं, इतना लॉन्ग आपको नहीं पढ़ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मानते हैं, लेकिन अभी आप इसका सिर्फ विविध देख लीजिएगा तीनों का, बस उतना ही आपको ये लुसेंट से करना, और उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। आपको एसपीडी के बारे में आप बहुत अच्छा तरह से जानते होंगे, हम आपको एसपीडी दिखा रहे हैं। देखिए ये जो एसपीडी है, एसपीडी काफी अच्छा है, इसमें जो है एकदम जो बोला जाता है कि मलाए वो मल्ला है। यदि आप साइंस का और जीके का जो दोनों यदि एसपीडी आप जो 10 दिन में चाट लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मतलब रामबाण साबित होगा, ठीक है। देख लीजिए ये आपका जीके के लिए और साइंस के लिए, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जीके के लिए आप कभी घबराइए नहीं कि हम यदि इतना पढ़ लेंगे तो हम इतना नंबर उठा सकते हैं, कभी ये गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अभी हम जो बताएं आपका यूथ से कि जो आप मैथ्स का यदि उतना बना लेते हैं, तो 25 नंबर से 20 नंबर आपका 100% हो जाएगा, इतना गारंटी के साथ कहते हैं। यदि आपके पास है तो आप इस चीज को पढ़ लीजिए, ये आपका जो है स्पीडी वाला है, साइंस और जीके पढ़ लीजिए, बस इतना ही काफी है। और इससे बहुत सारे सारे बुक जो जैसे क्या आते हैं, और आपको हम बता रहे हैं जैसे कि आप एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, यदि आप उसको यदि कर लिए होंगे पहले से, और यदि उसका नोट्स बना लिए होंगे, तो उसको एक बार आप देख लीजिए। अभी जो जो एनटीपीसी का जो नया वाला सेट जो निकला हुआ है, प्लेटफॉर्म का निकला हुआ है, आप उसको यदि बना लीजिएगा, अभी भी आप यदि उसमें बना लेते तो 100% है कि आप 30 से 40% आपका नंबर जो है इंक्रीज जरूर करेगा, क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है क्वालिटी और कंटेंट जो है, मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन, उससे आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है या तो फिर अभी आ रहा है। तो इतने सारे हम बुक को रिकमेंड करते हुए हम लास्ट में भी हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भाई यदि मान लीजिए हमारा वीडियो उन तक नहीं जाता है, तो आप उनको जरूर भेज दीजिएगा कि आपको कौन सा बुक इतने कम समय के लिए जो पढ़ना है कि काफी यहाँ पे आपका बेस्ट होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप यूथ के लिए मैथ्स को कर लीजिए, ठीक है। यूथ के लिए आपको हम क्या बोले, मैथ्स को कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए जो है एसके झा सर का बुक, उसमें आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल ऐसे आता नहीं, एसके झा का क्वालिटी क्या है कि वो जो इसमें जो बताए आपको सबसे एकदम जो आसान तरीका है उस चीज को उसमें बताए। ये एसके झा को हम मतलब कि बहुत अच्छा से हम उनको जानते हैं, या तो फिर उनका जो बताने का जो क्वालिटी है, आप जो उनका जो वीडियो देखिएगा वही क्वालिटी के साथ उसमें मतलब कि आपने जो बुक में है उतना सिंपल वे से बताएं कि हर कोई बुड़बक लेला मतलब जो भी है सब कुछ समझ पाएगा। तो हम न्यूमेरिकल के लिए, या तो जिनका बहुत ज्यादा ज्यादा कमजोर होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा साइंस के लिए, वो तो हम कहेंगे रिकमेंड करें कि एसके झा का बुक को आप पढ़िए, ठीक है, ताकि कम समय में आप अच्छा कर सकते हैं। प्लस दूसरी बात क्या है कि आप यदि आप तीनों को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस जीके के लिए, तो खान सर का कीजिएगा। मान लीजिए किसी का यदि साइंस अच्छा होगा, जीके कमजोर होगा, तो हम तो कहते हैं कि तब तो आप खान सर का बुक को रिकमेंड कीजिएगा।
खान सर का बुक जो है अभी जो आपको हम दिखाएं, जो कि तीनों जो आपका उसमें है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो प्लस जीके, विविध सारा चीज में मिला के दिया हुआ है, तो आप उस चीज को कवर कर लीजिएगा। और जो आपका बस रीजनिंग के लिए, अब बात रह गया रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग आपको उतना ध्यान नहीं देना है, रीजनिंग इसलिए नहीं ध्यान देना है कि क्योंकि जब आप टेस्ट बुक का जब मारते हैं, टेस्ट बुक का जब आप सेट मारिएगा, तब उसमें जो जितना भी आपका जो रीजनिंग मिलेगा उतनी ज्यादा आप कमांड कर लीजिएगा, तो आपको कैलकुलेशन, आपको जो रीजनिंग का जो होता है उतना फंडा आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो कोई प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग है आप उसको बना लीजिए, काफी आपका 25 नंबर में से आपका 22 से 23 नंबर आपका 100% आ जाएगा। तो पहला क्या बोले, यूथ पब्लिकेशन का मैथ कर लिया 100%, आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा। एस के जाकर यदि किन्हीं का सबसे एकदम गंदा मतलब के होगा, मान के चलिए साइंस यदि कुछ भी नहीं आता हो, तो आप एस के झा को कर लीजिए, उन भाई कर लीजिए जिनको नहीं आता, जिनका साइंस का मान चलिए किन्हीं परसेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री यदि अच्छा है, यदि बायोलॉजी अच्छा नहीं है, जीके अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे कि खान सर का आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उनका खान सर का सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए, एक बुक आप मैथ का पढ़ लीजिए। रीजनिंग के लिए आप टेस्ट बुक यदि मारते होंगे, ठीक है, टेस्ट बुक मारना ही चाहिए, अभी अभी जो समय है दिन में कम से कम एक बार तो आप टेस्ट बुक मार लीजिए, लेकिन उसका टेस्ट बुक मारने से अच्छा आप मारिए लेकिन उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। एनालिसिस करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम आता है एक कॉपी नोट कीजिए, और वो एग्जाम से बस 5 दिन पहले आप देख कर जरूर जाइएगा। तो बस ये हमारा आज का वीडियो था कि आप कौन सा बुक पढ़े कि इतने कम दिनों के लिए सबसे अच्छा बेस्ट हो सके। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी यहाँ पे बताया गया सब आपको अच्छा तरह समझ में आया होगा। यदि आप इतना फॉलो कर लेते तो 100% आपका 70 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए हमारे मैथ्स पेपर में बने रहे। और आपको एक और चीज बात बताते हैं, यदि किन्हीं को किन्हीं भाई को यदि दिक्कत होगा एडवांस मैथ के लिए, तो अर्थमेटिक मैथ के लिए यदि कोई स्पेशल वीडियो यदि देखना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स और कमेंट करके बोलिए कि इस चैप्टर का हमको वीडियो चाहिए, आपको हम अगले दिन प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे भी हमारे जो प्लेलिस्ट पे वहां पे पड़े हुए हैं, एक से एक वीडियो पड़ा हुआ जो कि एग्जाम के लिए सबसे वहां पे मलाई वाला क्वेश्चन हम वहां पे डाले हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमारे मैथ्स पेपर में बने रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।